शनिवार को चार कीले छुपा दें इस जगह या गाड़ दें, शत्रु की खटिया खड़ी हो जाएगी। शत्रु जिसने आपके नाक में दम कर रखा है, आप उसके बाहुबल की वजह से उसको परेशान करना तो दूर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, मन महसूस के रह जाते हैं आप, क्योंकि शत्रु बहुत ताकतवर है, खतरनाक है और आपकी नाक में दम कर रखा है। तो ही ये प्रयोग करना है, कैसे करना है, क्या करना है, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों का बहुत स्वागत करती हूँ। आप यूं ही प्रोग्रेस करते रहें, यह ब्लेसिंग्स देते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। मित्रों, मैं 25 साल से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और वास्तु पर कार्य कर रही हूँ। अभी नवरात्रि ऑफ़र चालू होने वाले हैं, तो नवरात्रि ऑफ़र का लाभ लेने के लिए हमारे चैनल डॉक्टर उमा श्री में जाएं और डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करें। नॉमिनल सी फीस ली जाएगी आपसे, जिससे आपको कष्ट भी नहीं होगा पैसा देने में। शनिवार का दिन हो, अमावस का दिन हो, टोने टोटकों का दिन होता है, मंगलवार का दिन, रविवार का दिन और शनिवार का दिन शत्रु से बदला लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शत्रु आप पर हावी होता है, आपकी बात काटता है, तो ये नॉर्मल सी प्रक्रिया होती है, इसको अपने दिल पर ना लें। ऐसे लोगों को आपको माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं हमारे समाज में, कलंक होते हैं, समाज के नाम पे काला धब्बा होते हैं और क्रिमिनल माइंड के होते हैं, उनकी सोच ही नेगेटिव होती है, वो बदला लेने का कोई भी अवसर नहीं जाने देते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको सबक सिखाना तो बनता है। आपको क्या करना है, चार कीले लेनी है, जो लोहे की कील होती है वो आपको लेनी है। लोहे की कील अगर आप शत्रु के घर में जाके गाड़ देते हैं, अगर संभव हो तो आपका काम बन गया समझो। अगर शत्रु के घर में लोहे की कीलें आप इनसाइड गाड़ देते हैं, कच्ची जगह है उसके घर में, तो आपको इतना ज़बरदस्त बेनिफिट मिलता है। गमले में नहीं दबानी है, चार कीलें काले कपड़े में बांध कर आप छुपा भी सकते हैं। मन ही मन शत्रु को विजुलाइज करें और चार कीलों को गाड़ दें या काले कपड़े में बांधकर दबा दें किसी भारी पत्थर के नीचे, तो आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलने लगता है। शत्रु बाधा से आपको मुक्ति मिलती है, शत्रु की खड्डियाँ खड़ी हो जाती है, जिससे आपको राहत महसूस होती है। थैंक यू।